अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं रुबीना अंसारी किचन में आपके लिए शाही ज़र्दा तैयार कर रही हूँ। उसके लिए मैंने 250 ग्राम चावल लिए हैं। ये सेला चावल हैं जिन्हें मैंने धो के 2 घंटे पहले भिगो दिया था। सेला चावलों के लिए कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, जितने आप देर चाहे इन्हें भिगो दें, ये परेशान नहीं करते हैं। ये इस पैन में मैंने 4 कप पानी लिया है। इसमें मैं ये 4 छोटी इलायचियाँ, 2 सिनेमन स्टिक और 4 लौंगे डाल रही हूँ। इसके अलावा मैं 1/2 टीस्पून इसमें जर्दे का रंग शामिल कर रही हूँ। अब ये पानी थोड़ा सा गर्म होता है तो मैं इसमें ये चावल शामिल करूँगी और चावलों को उबलने के लिए रखूँगी। उबाल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें ये चावल शामिल कर रही हूँ और इनको अच्छा सा उबालूंगी जब तक कि ये गल ना जाए। इनको गलने के लिए हम ये चेक करेंगे, इसे थोड़ा सा पकाएंगे। पकाने के बाद हम इन्हें दबा के देखेंगे। अगर ये दब जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये तैयार हो चुके हैं। यहाँ मैंने 1/2 कप वनस्पति घी लिया है। ये घी मैं इस पैन में डाल रही हूँ। जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं ड्राई फ्रूट फ्राई करूँगी। ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम, पिस्ता, काजू और खोपरा। इन्हें मैंने छोटा छोटा सा काट लिया है। जब घी गर्म होगा तो मैं इन्हें इसमें डालकर फ्राई करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक बरवक्त पहुँच सकें। किशमिश में बाद में डाल रही हूँ, इसलिए कि इसको अगर हम पहले से डालते हैं तो ये फूल जाती है और जल जाती है, लिहाजा इसे बाद में डालते हैं। अब मैंने हल्के हल्के फ्राई कर रही हूँ। चावलों का चूल्हा मैंने कम कर दिया है। ड्राई फ्रूट बहुत अच्छा सा ब्राउन हो गया है, इसको मैं अब निकाल रही हूँ। इसकी खुशबू से पूरा किचन महक रहा है। इसको मैं निकाल के एक साइड पे रखूँगी। वहाँ चावल भी बहुत अच्छे से उबल चुके हैं और इसके बाद फिर मैं शीरे का प्रोसेस करूँगी और चावलों को निकाल कर एक साइड पे रखूँगी। ये जो घी बचा हुआ है इसमें मैं चीनी डालूँगी। चीनी मैंने 1/2 कप ली है, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब इस घी में मैं 3 लौंगे और 3 इलायचियाँ शामिल कर रही हूँ। इनको मैं हल्का सा सौते करूँगी। जब ये सौते हो जाएंगी तो फिर ये चीनी मैं इसमें डालूँगी। चीनी डालने के बाद मैं इसका शीरा बना। अब मैं इसमें 2-3 टेबलस्पून पानी के डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह पकाऊँगी, उस वक्त तक जब तक के चीनी डिज़ोल्व नहीं हो जाती। इसका हम गाढ़ा या चिपचिपा सा शीरा नहीं बनाएंगे बल्कि चीनी मेल्ट होने तक पकाएंगे। अब दूसरे चूल्हे पे जो चावल उबल रहे हैं मैं उन्हें देख रही हूँ। चावल अच्छे से गल चुके हैं और अब मैं इनका पानी निकालने की तैयारी कर रही हूँ। 2-3 मिनट हो चुके हैं, चीनी बहुत अच्छी सी मेल्ट हो गई है। अब मैं इसमें ये चावल शामिल कर रही हूँ और इन्हें मैं हल्के हाथ से मिक्स करूँगी। थोड़ा सा मेवा और कुछ अशरफियाँ हैं जो मैं यहाँ डाल रही हूँ, कुछ मैं गार्निशिंग के लिए बचाऊँगी। इसके अलावा ये केवड़ा है, ये मैं शामिल कर रही हूँ और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके दम पे लगाऊंगी। यहाँ मैंने खोया लिया है, इस खोए को मैं ऊपर फैला रही हूँ और मैं इसे दम पे लगा रही हूँ। ज़र्दे को दम पर लगे हुए 7-8 मिनट हो चुके हैं, खुशबूयात बहुत अच्छी फैली हुई है और खोया भी नरम हो चुका है। अब मैं फ्लेम ऑफ करके आपके लिए इसे डिश आउट करूँगी। इसको मैं कुछ गुलाब जामुनों से और कुछ हवाइयों से, पिस्ते, काजू और बादाम की आपके लिए डेकोरेट करूँगी।
ये आपका शाही ज़र्दा तैयार है। इसे मैंने चांदी के वर्क, बादाम पिस्ते और काजू की हवाइयाँ और रेड ग्रीन अशरफियों और गुलाब जामुनों से डेकोरेट कर दिया है। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज़।